पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेलारी का निरीक्षण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेकर कोरोना से बचाव के इंतजामों को देखा। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्यसभा सांसद डेलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर मौजूद चिकित्सा अधीक्षक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और वहां से संबंधित जानकारी ली। कोरोना के उपचार के लिए अलग से बनाए गए वार्ड के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही सीएचसी पर पहुंच रहे मरीजों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए सीएचसी पर केवल कुछ ही चिकित्सकों की तैनाती होने के कारण उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर दिलारी को और ज्यादा चिकित्सक उपलब्ध कराने के आदेश दिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर जफर इस्लाम के साथ जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, जिला मंत्री अभिषेक सिंह नीशू, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, सोशल मीडिया संयोजक मयूर भाटिया के साथ और भी कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर सांसद जफर इस्लाम के साथ वहां की गतिविधियों को जाना। कोविड में कन्वर्ट कर दिया है तो हमें वहां पर मीटिंग हॉल हमारा खत्म हो गया, एक मीटिंग थी हमारी वो खत्म कर दी है। तो हमारा जो वहां पर ऑफिशियल नहीं होता है, ऑफिशियल पहले होते थे, सीनियर होते थे, मैं भी पोस्टेड है और वहाँ पर फीमेल स्टेलेशन आते थे, तो अब वो दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फीमेल स्टेलेशन हो जाएंगे तो आप रोटी हमने कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस हमारे पास मीटिंग हॉल भी पूरा खत्म हो गया। तो एक रिक्वेस्ट, अगर अभी ऐसा सर्जरी की जरूरत है तो कहाँ जाएगा सर? अभी तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री रेलवे मंत्री से मुलाकात करी है। एक बहुत बड़ी समस्या है सांसद साहब, क्योंकि तहसील मुख्यालय ढाम वाला ही एक ऐसा बचा हुआ है जो रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ। जब पर मुरादाबाद का हर विधानसभा रेलवे से जुड़ी हुई है, मैं फिर पूरा आपसे मांग करूँगा चंदन खामा मुख्यालय रेलवे से जुड़ा जाए, क्योंकि आप बड़ी इतनी बड़ी हस्ती भगवान की कृपा से हमारे बीच में है। अब हमें कोई मानने की जरूरत नहीं है, खुद पर खुद हो जाएगी। मैं हृदय का आभार व्यक्त करता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।